हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट यूपी एग्जाम्स। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं आपका यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी की स्टैटिक जीके लेके। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो गाइज फर्स्ट गो टू द अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इससे आपके बहुत बेनिफिट्स हैं अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो, बिकॉज इसमें हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, प्लस आपको लाइव फ्री प्लस पेड क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, एंड बोथ क्लासेस आर फ्री। आपका लाइव क्लासेस, ये दोनों ही क्लास का जो मेथड है वो लाइव क्लासेस बेस्ड मेथड है। तो गाइज बिल्कुल भी देर ना करें, एकदम हरी अप एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आप जा सकते हैं। बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगी, प्लस आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो गाइस गो टू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फर्स्ट। एज अ टीचर मैं हमेशा कहूँगी कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए, ठीक है, वो आपसे आपको उसमें बेनिफिट्स हैं। ओके गाइज, तो लाइव टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ले सकते हो, क्विजेस आपको कराए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ साथ गाइज, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी कहीं भी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं, लाइव स्ट्रक्चर कोर्स डिलीवर बाय द बेस्ट एडुकेटर्स, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं आपको देने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज करें, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। चलिए अब हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और हाउ टू डाउनलोड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो गो टू द गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन का सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खेलना स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हम ये जो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आपके साथ करने वाले हैं ये हम कैसे और कहाँ क्या क्या हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है शिशु किशोर तरुण आर द एसोसिएटेड विद। शिशु किशोर और तरुण किसके साथ जुड़े हुए हैं, देखिए ये स्कीम्स के नेम है, तो ये कौन सी आपका बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, एसबीआई बैंक के साथ, रिजर्व बैंक है, आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या मुद्रा बैंक। तो आपके शिशु किशोर तरुण, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिशु किशोर तरुण की, तो ये आपके लोन के टाइप्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा लोन के टाइप्स हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका जब भी आपके जो लोन के टाइप्स हैं ये मुद्रा के अंदर आते हैं। मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ माइक्रो मुद्रा। मुद्रा की फुल फॉर्म है, मुद्रा आपका एक तरह से आपका एक योजना है जो कि लोन देने का काम करती है। जो लोग एज ए एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करूँ, तो उसे बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे क्या पड़ेगी, लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि मुझे लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है या हमारा जब जो डेवलपमेंट होगा वो कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स होंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो इसे उद्योगपति कहते हैं, ठीक है, जिनके अपने खुद के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइज, तो यहाँ पर आपको मुद्रा के थ्रू आपको लोन दिया जाता है, याद रखिएगा मुद्रा के थ्रू आपको लोन दिया जाता है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है, उद्यमिता के लिए, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप हिंदी वर्ड से उद्यमिता, ठीक है। तो उद्यमिता के लिए लोन वगैरह दिए जाते हैं अंडर द मुद्रा। तो वेरी गुड आफ्टरनून सुनील, चलिए ओके, उम्मीद है आप हमसे कनेक्ट हो चुके हैं और हमारे साथ अब आगे क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें तीन तरह के लोन बेसिकली दिए जाते हैं, एक होता है शिशु लोन, एक होता है किशोर लोन, ठीक है, एक होता है शिशु लोन, एक किसान और एक तरुण। तो देखिए इनके नाम से ही ना साउंड कर रहा है, शिशु मतलब छोटा लोन होगा, ठीक है, शिशु मतलब छोटा सा लोन होगा, किशोर मतलब थोड़ा युवा यानी कि थोड़ा और बड़ा लोन होगा कंपेयर टू शिशु।
तरुण बोलता है कि वो और ज्यादा मैच्योर लोन है, तो मुद्रा योजना के तहत ये बहुत इसमें आपके इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। तो तीन तरह के लोन की वैरायटीज इसमें दी गई है। शिशु किशोर मुद्रा, शिशु के अंदर जो लोन दिया जाता है वो आपका अप टू 50,000 दिया जाता है, 50,000 तक का लोन शिशु में दिया जाता है। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन किशोर में दिया जाता है, और आपका 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण के अंदर बेसिकली दिया जाता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोन गाइस, शिशु किशोर तरुण। तो शिशु आपका स्मॉल लोन है, छोटा लोन है। किशोर आपका उससे बड़ा है, यानी कि 5,000 to 5 लाख तक का है, और तरुण लोन आपका उससे भी बड़ा है जो 5 लाख to 10 लाख तक का है। ओके गाइस, तो ये आपके आते हैं इसमें तीन तरह के लोन। तो ये जो है आपका अंडर मुद्रा आता है, ठीक है, तो मुद्रा में आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब शुरुआत हुई। आप लोग पूछेंगे कि मैम इसकी शुरुआत कब हुई है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, इसकी जो शुरुआत करी गई थी, सबसे पहली बार इसका जो जिक्र किया वो आपका किया था हमारे पूर्व आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल आपके मनमोहन सिंह जी ने इसका जिक्र किया था हमारे देश के लिए। तो बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह जी का टाइम पीरियड ओवर हुआ या जो भी था, उसके बाद इस योजना को जो लॉन्च किया वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद देखिए IDBI का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 से, और इसका एक्ट बना हुआ है RBI एक्ट 1934। ओके, तो यहाँ पर आपका इसका जो एक्ट है आपका 1904 इसका एक्ट बना हुआ है। इसके साथ ही आपका हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और RBI के पहले जो बने थे यानी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वो बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ हमारे पहले RBI के गवर्नर बने थे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जल्दी से बताओ, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ RBI, RBI के करेंट में गवर्नर कौन है, ये तो मैं हमेशा पूछती हूँ, तुम लोगों को पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे पहले एक और चीज़, SBI भी दे रखा था यहाँ पे, SBI का हेड ऑफिस मुंबई में है और शुरुआत 1955 में हुई थी। अगला आता है तंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी, ठीक है, तंगनाथ टेम्पल आपका कहाँ पड़ता है, तो आपके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, मंडी, चंबा या फिर आपका शिमला, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग, मंडी, चंबा या शिमला, तो बेसिकली चंद्रप्रयाग कहाँ पड़ता है, और उससे पहले मैंने पूछा था RBI के करंट गवर्नर, तो RBI के जो करंट गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है, जो जिन्होंने रिप्लेस किया था उर्जित आर पटेल को, उर्जित रविंद्र पटेल जी को। ओके, शक्तिकांत दास करंट में RBI के गवर्नर हैं। उसके बाद तंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच रिवर, तो सुनील जी का आंसर एकदम करेक्ट है, रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के करंट CM और गवर्नर कौन है, तो जल्दी से कमेंट सेशन में लिख के बताएंगे, हु इज द करंट CM एंड गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे नेशनल पार्क पड़ते हैं, जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नंदा देवी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया। इसके बाद उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स भी पड़ता है, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद पशु विहार हो गया, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, मलान पशु विहार हो गया, तो मलान भी यहीं पे पड़ता है, मलान पशु विहार हो गया, तो फेमस फॉर द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तराखंड बेसिकली, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सही है। इसके जो करंट CM है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत करंट में CM है, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, तो गवर्नर है यहाँ पे बेबी रानी मौर्य एंड CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके गाइस, बाकी स्टूडेंट्स भी जो आंसर देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, वो भी आंसर करिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी करिए। अगला क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ द अफगानिस्तान पार्लियामेंट इज, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, संसद का क्या नाम है ये आपको बताना है, नेशनल असेंबली, सोरा, पार्लियामेंट, कांग्रेस या नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो यहां मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है, और करेंसी जो है वो अफगानी अफगान है, अफगानी अफगान इसकी करेंसी है। ओके,
उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अफगानिस्तान का काबुल है, अफगानिस्तान के काबुल से हमारे देश में बाबर आया था, वो भी अपने अपने मतलब क्या नाम है, अपने मतलब बैलगाड़ी से चला के, पहिए वहिए की खींच खींच के वो पैदल अफगानिस्तान से यानी कि काबुल से इंडिया तक वो पैदल पैदल आया था बाबा, ठीक है। तो अपने सारी सारी जो सेना पहली बार कोई व्यवहार से लेके आया था वो कहीं ना कहीं बाबर था, ठीक है, मुगल शासकों में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका नेम ऑफ द अफगानिस्तान पार्लियामेंट दैट इज सोरा, ठीक है, इसका है जो सोरा है यानी कि नेशनल असेंबली, सोरा बेसिकली है पार्लियामेंट आपका, पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश की है यानी कि इंडिया की है, और कांग्रेस अगर हम बात करें तो कांग्रेस यूएसए की है। मैंने हमेशा बोला था ना कि देखिए कांग्रेस हमारे देश में, कांग्रेस ने कितने साल राज किया है, 70 साल राज किया है, 70 ईयर्स राज किया है। जब भी कोई बात उठती है मोदी जी की तो सब कहते हैं भाई कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं कर पाई तो बीजेपी 5-6 साल में क्या कर लेगी, है ना। तो बेसिकली 70 ईयर कांग्रेस ने राज किया है इंडिया के अंदर। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बहुत अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर देश कौन सा है, यूएसए मान लो सबसे अमीर, अमीर देशों में गिनती की जाती है। तो इसीलिए अमीर देश की संसद का नाम भी अमीर है, दैट इज कांग्रेस, ओके। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये एक आपका छोटा सा ट्रिक है। यूएसए की करंट जो यूएसए की कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है, डीसी स्टैंड्स फॉर कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एंड करेंसी इज गाइस डॉलर, ओके। अगला क्वेश्चन आता है, द वुलर लैक ऑल्सो स्प्लिट वुलर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, इट इज सिचुएटेड इन। वुलर लेक जिसे वुलर भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, ये कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर या राजस्थान, ठीक है। तो ये वुलर लेक आपका कहाँ पड़ती है ये आप लोगों को बताना है। जब तक मैं हम इनके डिस्कस कर लेते हैं सीएम एंड गवर्नर, जैसे कि गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, विजय रूपानी गुजरात के सीएम हैं, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। जम्मू एंड कश्मीर में सीएम नहीं है, हाँ जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो है मनोज सिन्हा। मणिपुर में एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह एंड नजमा हेपतुला गवर्नर। राजस्थान में अशोक गहलोत एंड कालराज मिश्रा गवर्नर, कालराज मिश्रा, ओके। जितेंद्र मैम बी इज करेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है वुलर लेक, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली ये लेक पड़ती है। तो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, जो 1876 को हुआ था वो पहली बार कहाँ हुआ था, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र, नई दिल्ली में, हैदराबाद, बॉम्बे या कोलकाता, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि नई दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, कोलकाता। सुनील जी आपका आंसर एब्सोल्युटली गलत है। चलिए आपके तीन ऑप्शंस बचते हैं, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे एंड कोलकाता। तो ओके मैम, चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बॉम्बे में इसका सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान, इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं पड़ता है। तो आपका आता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पहला आती है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सरिस्का बर्ड सेंचुरी, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सा नहीं पड़ता। ओके आपका यहाँ पे आंसर किया है जितेंद्र ने मैम डी, ओके जितेंद्र योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे गोविंद जो पड़ता है ये आपका राजस्थान में नहीं पड़ता, गोविंद उत्तराखंड में पड़ता है, बाकी आपका भरतपुर यहीं पड़ता है। सरिस्का तो साउंड ही कर रहा है राजस्थान जैसा, और रणथंभौर भी राजस्थान जैसा ही साउंड कर रहा है, तो ये दोनों आपके यहीं पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा सही तरह से मैच नहीं करता है। तो इसमें 5-ईयर प्लान्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन के अंडर बनती थी, प्लानिंग कमीशन, और हमारे देश में प्लानिंग कमीशन जो आया था वो आया था आपका, बेसिकली गाइस जो प्लानिंग कमीशन देश में आया वो 1950 में आया बाय हमारे चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान 1951 टू 1956, थर्ड 5-ईयर प्लान 1961 टू 1966, सेकेंड 5-ईयर प्लान 1980 टू 1984, या फिर 10th 5-ईयर प्लान 2002 टू 2017, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ, पहला 5-ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक ही बनाता है, जिसे हम हेरोड डॉमर मॉडल से भी जानते हैं,
हेरॉन डॉमर मॉडल, ठीक है। और थर्ड फाइबर प्लान भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, 1961 टू 1966 तक ही था। इसे गाडगिल मॉडल कहा जाता है, याद रखेगा, गाडगिल मॉडल के नाम से ये मशहूर है। और थर्ड सेकेंड फाइबर प्लान गलत है गाइस, क्योंकि वो 1956 टू 1961 तक बना था, जिसे पीसी महालोनोविस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, पीसी महालोनोविस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और टेंथ फाइबर प्लान 2002 टू 2007 बना था, इलेवेंथ फाइबर प्लान 2007 टू 2012 बना था, और 12th फाइव ईयर प्लान एंड दिस इज द लास्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ आवर कंट्री 2012 टू 2017 बना था। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से आपका सांविधानिक निकाय कौन सा है, निम्नलिखित में से सांविधानिक निकाय कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पहला आता है, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गाइज फर्स्टली वी नो अबाउट द कि वट इज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। तो गाइस मैं आप बता दूं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, या यू कैन से कि विच इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जो भारत के संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो और इनके जो हेड होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो इंडिया के आपके प्रेसिडेंट इसमें हेड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज दैट बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग। तो नीति आयोग ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गाइज, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द ऑथर, हु इज द ऑफ्टन कॉल्ड एज द हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हिंदू लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि आपका अक्षर उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के रूप में किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राधाकांत देव या केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो किसे हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा गाइज ये आप लोगों को बताना है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर या राधाकांत देव, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल से थे और इन्होंने ही आपका हिंदू रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे, ठीक है। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर लेके आए थे। अगला आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार देने का काम करती है। और गाइस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे डू लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से सारे बच्चे मिलकर इसको लाइक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी लाइक कर दो। तो यहाँ पे आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, तो इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गांधी मेमोरियल लिटरेसी फाउंडेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन, या आपका गांधी फाउंडेशन। तो ये आपका देती है गांधी मेमोरियल लिटरेसी फाउंडेशन, ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगला आता है द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच स्टेट, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कौन से स्टेट में पड़ता है, तो आपके ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो गाइस मैं बता दूं ओडिशा के करंट सीएम नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक यहाँ पे करेंट में सीएम है, और आपका यहाँ पे जो गवर्नर है वो आपके गणेशी लाल है, याद रखिएगा गणेशी लाल। राजा रानी का मंदिर यहीं पे पड़ता है आपका उड़ीसा में ही, राजा रानी टेम्पल जो बहुत ही फेमस है, राजा रानी का टेम्पल यहीं पड़ता है। कर्नाटक के सीएम बी एस येदुरप्पा हैं, और आपका बी एस येदुरप्पा एन आपका क्या हो गया, बी एस येदुरप्पा एन वाजू भाई वाला यहाँ पर गवर्नर है। उत्तराखंड पता ही है, केरला के सीएम पिनरई विजयन है,
रे विजयन एंड आपका आरिफ मोहम्मद खान यहाँ गवर्नर है। तो गाइस आपका द कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पड़ता है ये उत्तराखंड में पड़ता है। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है नेम अ फोक डांस विद सोशल थीम्स। इट हैज टू मेन ट्रेडिशंस हाथरस ट्रेडिशन एंड कानपुर ट्रेडिशन। सामाजिक विषयों के साथ एक लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें दो प्रमुख परंपराएं हैं हाथरस परंपरा और कानपुर परंपरा। तो यहाँ से समझ जाओ ना हाथरस कहाँ पड़ता है यूपी में, कानपुर कहाँ पड़ता है यूपी में। तो यूपी का फेमस डांस क्या है जत्रा नौटंकी बिहू या फागुना। ठीक है तो जल्दी से बताएंगे तो कौन सा फेमस डांस है आपका। तो यूपी के अंदर कौन सा फेमस डांस है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। देखिए अगला आता है आपका आनंदी बेन पटेल। तो बिल्कुल सही है आर्या जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नौटंकी। ठीक है तो ये सब नौटंकी वाले डांस हैं। ठीक है तो ट्रेडिशनल डांस इज नौटंकी। ठीक है जत्रा जो है ये झारखंड का है जत्रा झारखंड एंड बिहू असम। ओके गाइस बिहू जो है असम का है। द करेक्ट आंसर इज नौटंकी। रिहान डैम उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कई बार पेपर में पूछा गया है। रिहान डैम रिहान रिवर के ऊपर पड़ता है और उत्तराखंड पे पड़ता है। ठीक है तो नेक्स्ट जो आता है आपका दुधवा नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आती है। ओखला बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आती है। यहाँ का फेमस डांस है कथक और आपका नौटंकी जैसे ही ये सारे भी इसमें ही आते हैं बट द मोस्ट फेमस इज कथक। ओके गाइस अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वो क्वेश्चन आता है कि आपका वेटरन कांग्रेस लीडर चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर पास अवे ऑन द अगस्त 5 अगस्त 2020 ही सर्व्ड एज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। मतलब देखिए ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है यहाँ पे। हेलो चलिए ओके राम जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपको बताएंगे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया था 5 अगस्त 2020 को शिवाजी राव पाटिल का। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। देखिए ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है आता ही आता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक या राजस्थान विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो गाइज प्लीज जल्दी आंसर करिए ए बी सी या डी आप लोग कुछ भी आंसर करिए पर एटलीस्ट आंसर करिए। आपके कमेंट मुझे दिखने चाहिए क्योंकि आपका और मेरा कॉन्वर्जेशन क्योंकि हम एक ऑफलाइन क्लास में नहीं है हम ऑनलाइन क्लास में है तो हमें मुझे नहीं पता कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप मेरे साथ एक्टिव हैं या नहीं है। जब तक आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे नहीं पता लगेगा आप मेरे साथ एक्टिव हैं या नहीं है। जैसे कि सुनील जी को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कंटिन्यू हमारे साथ एक्टिव है तो पता लग रहा है कि वो हमारी क्लास में अटेंड कर रहे हैं। ठीक है जैसे जितेंद्र हो गए तो ये क्या कर रहे हैं ये दो स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव है हमारी क्लास में समय। तो इसीलिए एक्टिव रहिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें अपने वीडियो को बहुत मोस्ट अच्छा बना रहा है। ओके गाइस तो फर्स्टली तो एक्टिव रहिए पहला कहूंगी कि एक्टिव रहिए। बिल्कुल सही यहाँ पे बालक राम सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है पर इसका सही आंसर सुनील जी ने दिया है दैट इज और जितेंद्र ने दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है। ठीक है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीएम है और आपके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी अजंता अलोरा एलिफेंटा तीनों आपके महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र में भारतीय राज्य का कौन सा हिस्सा शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप डिक्लेयर किया था कुछ दिन पहले उसमें इंडिया की एक स्टेट ही डाल दी पूरी। ठीक है तो कौन सा स्टेट था वो राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात। ठीक है जल्दी से आंसर करेंगे कौन सा स्टेट था जल्दी जल्दी आंसर करिए विच स्टेट। ठीक है तो कौन सा स्टेट था जल्दी से आंसर करेंगे विच स्टेट। ठीक है तो जल्दी बताइए बालक राम राव ने आंसर भी कर दिया है बिल्कुल सही गुजरात गुजरात की स्टेट थी। ओके गाइस इसके बाद गुजरात के सीएम है विजय रूपानी एंड गवर्नर कौन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ गुजरात। बहुत ही क्विकली और बहुत ही फास्ट आंसर करने हैं। ठीक है तो यहाँ पे बहुत ही क्विकली एंड फास्ट फास्ट आंसर करने हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए। गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा जिला पड़ता है दैट इज कच्छ। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा जिला है जो गुजरात में पड़ता है। नर्मदा नदी गुजरात में पड़ती है और नर्मदा नदी को लाइफलाइन ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एंड आनंदीबेन पटेल गवर्नर। ठीक है तो ये सारे आपके यहीं से आते हैं। ओके गाइज तो ये आप लोगों का ये था आपका जल्दी मुझे बता दो क्या एनी प्रॉब्लम क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रहा है एंटायर लेक्चर क्या आपको सही लग रहा है।
चलिए ओके गाइस, तो यहाँ खुसराओ टेम्पल मध्य प्रदेश में पड़ता है और आपका नर्मदा नदी को लाइफलाइन ऑफ गुजरात, लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश कहा जाता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में मूव आउट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन जॉन ह्यूम पास्ड अवे ऑन 3 अगस्त 2020। ही हैड वॉन द नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी। मतलब देखिए, उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिक जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त 2020 को हुआ था। उन्होंने किस श्रेणी में नोबेल प्राइज पुरस्कार जीता था? तो आपका शांति पुरस्कार, साहित्य, भौतिकी या फिर रसायन विज्ञान, पीस प्राइज, लिटरेचर, फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो गाइस मैं बता दूं, नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं सभी नोबेल प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्राइज आपका स्वीडन में ना देखे बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीस प्राइज, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज पीस प्राइज। अगला सवाल आता है आपका, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द MSME सक्षम पोर्टल इन एसोसिएशन विद यूनियन ट्रांसिबल। मतलब यहाँ पे आपको बताना है आपका MSME सक्षम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे व लघु उद्योगों के लिए बेसिकली दिया गया है, ठीक है। छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए बेसिकली ये आपका दिया गया है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया गया? सिबिल जो है आपका एक रिकॉर्ड होता है, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर देता है। जब भी आप किसी दूसरे बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जब आप किसी दूसरे बैंक में लोन लेने जाएंगे गाइस, तो आपको क्या किया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो जब भी आप किसी दूसरे बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है कि वो लोन आपका रिकॉर्ड कर लेता है सिबिल। सिबिल एक रिकॉर्ड है कि आपको, आप जब भी कोई लोन लेते हैं तो उसका क्या होता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है फॉर अनदर बैंक के लिए भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पे हम एक बालक का नाम ले लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे बालक राव का नाम, बालक राव जी। फॉर एग्जांपल बालक राव ने क्या किया, बालक राव ने बेसिकली लोन लिया SBI बैंक से, उसके बाद बालक राव जी ने SBI बैंक का लोन चुकता नहीं किया और जाके लोन के लिए अप्लाई कर दिया PNB में। तो बालक राव जी सोच रहे हैं कि भाई PNB जो पंजाब नेशनल बैंक है उसको पता नहीं लगेगा कि मैंने SBI से लोन नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। सिबिल में सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जब भी आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने जाएंगे तो सिबिल आपका सारा रिकॉर्ड बता देगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे SIDBI इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द करेक्ट आंसर इज SIDBI, फुल फॉर्म इज SIDBI, इसके हेड ऑफिस लखनऊ में पड़ता है। ओके, RBI की फुल फॉर्म मुंबई है, सॉरी RBI का हेड ऑफिस मुंबई में पड़ता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेड ऑफिस मुंबई में। NHB की फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगले सवाल में मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग विलेज चेंजिंग लाइफ इज, चेंजिंग विलेज चेंजिंग लाइफ के ऑथर बताने हैं आपको। तो आपके ऑप्शन है प्रफुल मोहंती, LK अडवाणी, सलमान रुश्दी, मारिया सरफोवा। चारों बड़े बड़े ऑथर्स दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रफुल मोहंती, LK अडवाणी, सलमान रुश्दी या मारिया सरफोवा, विच इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रफुल जिन्होंने आंसर किया है, आपका आंसर एकदम सही है, द करेक्ट आंसर इज प्रफुल मोहंती। ओके गाइस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल मोहंती। LK अडवाणी हमें हमारे देश के जो अभी तक प्रेसिडेंट बनने की पूरी उम्मीद में बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो हम इनकी बात करें तो इन्होंने भी किताब लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ, इनकी बुक बहुत प्रचलित है। सलमान रुश्दी ने भी किताब लिखी, दैट इज मोस्ट सेलिंग बुक, गोल्डन हाउस बुकर प्राइस ले चुकी है। मारिया सारापोवा की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी लिखी है किताब अनस्टॉपेबल, कल पढ़ाई थी मैंने, कल परसों या जब भी, अनस्टॉपेबल माई लाइफ इज सो फार। टेनिस प्लेयर है, और कहाँ से टेनिस प्लेयर है, वो भी रशिया से। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि द स्पोर्ट विच हैज़ बीन विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस या फिर आपका बैडमिंटन।
ठीक है, आपका विश्वनाथ आनंद बहुत ही फेमस प्लेयर है, तो कौन से स्पोर्ट्स से करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं बिलियर्ड, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो गाइस जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चेस। अगला क्वेश्चन आता है, विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम कॉल्ड वजीरी डांस। देखिए, वजीरी डांस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस डांस है, और वजीरी डांस जो जिसका उद्गमन हुआ है वो आपका पाकिस्तान से हुआ है, ठीक है? तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ये जो वजीरी डांस है, ये बेसिकली आपका वजीरी डांस जो है, ये कौन सी उसकी वो करती है, क्या नाम है, कौन सी उसकी ट्राइब करती है, यानी कि कौन सी उसकी जनजाति करती है, सिंधु, बालुच, ब्रह्मुज या फिर आपका पास्तून, ठीक है? विच इज द करेक्ट। जितेंद्र ने आंसर किया है बी, बालुच। नहीं, बी इज नॉट करेक्ट आंसर। पाकिस्तान की कैपिटल जो है, ओके, आपने ये 19 का भी किया है, ओके ओके ओके। चलिए, इसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, इन करेंसी रुपए, और ये पास्तून जनजाति जो है ये वजीरी डांस करती है। द करेक्ट आंसर इज डी। अगला आता है, इन इंडिया मनी बिल इज सर्टिफाइड बिल। भारत के अंदर मनी बिल को कौन सर्टिफाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है? तो गाइस मनी बिल वो बिल होता है जिसमें मनी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ठीक है? और मनी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंदर आता है, और इसी के साथ साथ आपका AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में आता है, ठीक है? तो हमारा आता है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात कर रहे हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ठीक है? तो आपका मनी बिल इज सर्टिफाइड विद स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके? द करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए, ओके गाइस, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन में वो करेंगे। और हमारे देश से करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला आता है, विवेक देबरॉय कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। विवेक देबरॉय की जो कमेटी है, देखिए विवेक देबरॉय कल भी बता रही थी, बहुत महान पर्सनालिटी हैं इंडिया के, ठीक है? इनकी जो आपका रिपोर्ट है, ये विवेक देबरॉय की जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, कोस्टल एरिया मैनेजमेंट से, रोड सेफ्टी इशूज से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे। विवेक देबरॉय पहले नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर थे, अब नहीं है, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ मैं बता दूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जिन एरियाज में बैंक नहीं है उन एरियाज में बैंकों को खोलना, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्वप्रथम शुरुआत उषा थॉरट ने की थी। उषा थॉरट हमारे देश की महिला डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI रह चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया के इतिहास में आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं रही है RBI की, कोई भी महिला गवर्नर RBI में आज तक नहीं बनी है, पर आपका डेप्यूटी गवर्नर 3 बन चुकी हैं, 3 RBI की डेप्यूटी गवर्नर बन चुकी हैं। उनके मैं आपको नाम बता दूं, तो आपके हैं आपका उषा थॉरट, आपका श्यामला गोपीनाथन, और एक और हैं गाइस, उषा थॉरट, श्यामला गोपीनाथन एंड KG उदेशी। ये 3 हमारी RBI की हिस्ट्री में फीमेल्स बन चुकी हैं, और उषा थॉरट ने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत की थी, जिसको बढ़ावा देते हुए भारत के अंदर स्मॉल बैंक्स बने, ठीक है? स्मॉल बैंक की सर्वप्रथम शुरुआत जो करी गई थी वो आपका कहाँ से की गई थी, राजस्थान से की गई थी। अगला आता है यहाँ पर, सॉरी राजस्थान से नहीं, ये जो शुरुआत करी गई थी पंजाब से करी गई थी, पेमेंट बैंक की राजस्थान से की गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे। रेलवे को रिस्ट्रक्चर किया था, इसीलिए इन्होंने 2016 में रेलवे बजट को, जो रेलवे बजट आता था उसे यूनियन बजट के अंदर ही मर्ज कर दिया था। पहले रेलवे बजट अलग आता था और यूनियन बजट अलग आता था। अगला आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटी बैंकें होती हैं जो 100 करोड़ की कैपिटल से RBI लाइसेंस देती है इन्हें बनाने के लिए। 100 करोड़ की कैपिटल से बेसिकली ये बैंक्स खुलती हैं। तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक की लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ पे है, जलंधर, नवी मुंबई, जयपुर या बेंगलुरु, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज नवी मुंबई। अगला सवाल आता है, स्टेट अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू। राज्य अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को कहाँ से मिलता है, राज्य सरकार को, टैक्स फाइन्स, कस्टम, लाइसेंस सेल या कमर्शियल टैक्सेस। तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल टैक्सेस से मिलेगा, कमर्शियल टैक्सेस आपके कंपनी वगैरह के होते हैं, ओके? अगला क्वेश्चन आता है आपका,
इन विच स्टेट इज माधवपुर मेला इज हेल्ड एनुअली? माधवपुर मेला हर साल कौन से स्टेट में लगाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो गाइस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स भी करिए, बहुत ज़रूरी होता है कमेंट्स करना, ठीक है? तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो और मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, बाकी लोग कमेंट करिए, ठीक है? तो यहाँ पे आता है आपका इन विच स्टेट इज द माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो माधवपुर मेला जो हेल्ड किया जाता है वो आपका जो लगाया जाता है वो आपका माधवपुर मेला गुजरात में होता है, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अगला क्वेश्चन आता है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम? मौसम मोबाइल ऐप किसने आपका निकाला है? तो आपके ऑप्शन है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये आपका बेसिकली प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको वो किया था, तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, तो ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होगी। द करेक्ट आंसर इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच इंडियन रेसलर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट एंड यूथ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा? यहाँ पे पूछा गया है आपका विच इंडियन रेसलर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा? तो गाइस इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ये आप लोगों को बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप लोग बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या आपका साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर या कोई और। तो गाइस एक तो दो लोगों ने मिलके किया है, एक है कविता देवी, ठीक है? तो कविता देवी और कविता देवी के साथ एक प्लेयर और है, वो है आपके बबीता फोगाट। बबीता फोगाट और कविता देवी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए अगला सवाल आता है यहाँ पर, तो अगला सवाल आता है इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ईयर ओल्ड काली टेम्पल इन विच नेशन? 300 वर्ष पुराना काली मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भारत भरपूर सपोर्ट कर रहा है, तो ये कौन से स्टेट में हो रहा है, और सॉरी कौन सी कंट्री में हो रहा है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो गाइज द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, ये आपका जो हो रहा है ये बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के सीएम जो है वो सॉरी बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। बांग्लादेश की जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो हसीना शेख है, शेख हसीना, और आपका अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। नेपाल की कैपिटल आपका काठमांडू और करेंसी रुपए। श्रीलंका की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। मालदीव की मॉल है और करेंसी जो है वो आपका रुपया है। अगला सवाल आता है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एंड विच नेशन ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन? ठीक है, तो कौन से कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए? मतलब फॉर द आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के लिए आपका बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर ये किया है? तो आपका ऑप्शन है जिम्बाब्वे, जैम्बिया, यूथ साउथ अफ्रीका या फिर आपका तंजानिया। तो विच इज द करेक्ट आंसर गाइस, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज जिम्बाब्वे। ओके, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फ्लेशन आई थी तो जिम्बाब्वे। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बोल रहा है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 6th ब्रिक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग? छठवें ब्रिक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह या हर्षवर्धन? हेल्थ मिनिस्टर या फिर राजनाथ, डिफेंस मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर या रेल मिनिस्टर? तो द करेक्ट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, जो वो किया था वो प्रकाश जावड़ेकर ने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ओके गाइज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये करेक्ट है, ब्रिक्स। ओके गाइस, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में सबसे पहली बार ब्रिक्स, भारत में नहीं, आई मीन ब्रिक्स का जो हुआ है 2009 में, और फॉर्मेशन 2006 में हुआ था, ये भी याद रख लेना।
ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो वो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड द ब्रिक, तो वो कहा था प्रकाश जावड़ेकर जी ने सिक्स्थ ब्रिक को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी पूरी कंप्लीट बातें समझ आ गई होंगी। आपको यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये क्लास एवरी डे दोपहर 12 बजे ये क्लास आपकी होती है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहला काम आज यही करिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर जब आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन करेंगे और जब उसका कोर्स परचेज करेंगे तो आप लोग अपने टीचर का रेफरल कोड जरूर यूज़ करें। आप चाहे तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Poonam10। आप ये Poonam10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो गाइज ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ Poonam10। ओके गाइज, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास ये मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर लिखकर बताएगा। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।